फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान विषय की पाठ योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है सूक्ष्म जीव। आइए देखते हैं कि सूक्ष्म जीव के लिए पाठ योजना कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे पाठ योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, दूसरा लिखेंगे विद्यालय का नाम जहाँ से आपको शिक्षण कार्य करना है। फिर हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि। तो कक्षा हमारा 8 है, उप विषय जीव विज्ञान है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है प्रकरण का, तो प्रकरण हमने ले लिया है सूक्ष्म जीव। फिर आता है नंबर सामान्य उद्देश्य का, तो उद्देश्य जो होते हैं दो तरह के हमें देने हैं। एक सामान्य उद्देश्य जो कि विज्ञान विषय से संबंधित होगा और सभी जो सभी ही लेसन प्लान के लिए एक ही होगा, इसको मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सामान्य उद्देश्य लिख दिए हैं। उसके बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का, विशिष्ट उद्देश्य जो होता है आपका प्रकरण से संबंधित होता है, तो हमारा प्रकरण है सूक्ष्म जीव, तो हमारे विशिष्ट उद्देश्य में हर जगह सूक्ष्म जीव जरूर आएगा। तो हमने तीन तरह के विशिष्ट उद्देश्य की चर्चा की है। पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि बच्चे सूक्ष्म जीवों से परिचित हो सकेंगे और बच्चे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण कर सकेंगे। जो दूसरा उद्देश्य है वो है बोधात्मक उद्देश्य, ठीक है। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत क्या लिखेंगे, बच्चे सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में जान सकेंगे और बच्चे सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा उद्देश्य क्रियात्मक उद्देश्य है, तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि बच्चे सूक्ष्म जीवों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और बच्चे सूक्ष्म जीवों का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे। तो ये था हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का, तो उसमें हम लिखते हैं कि सूक्ष्म जीवों से संबंधित चार्ट पेपर, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में छात्रों को सूक्ष्म जीवों की सामान्य जानकारी है। उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तावना का, जहाँ हम प्रकरण निकालते हैं। तो हमारा पाठ प्रस्तावना है ऐसे बनाएंगे, देखिए इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। टेबल के अंतर्गत तीन कॉलम लेते हैं, तीन कॉलम में जो है क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन और छात्र कथन लिखते हैं, या छात्र अध्यापक कथन भी लिखेंगे। फिर हमने शेष का प्रश्न करते हैं कि दूषित पानी पीने से क्या होता है, तो छात्र क्या बोलेंगे, बीमारियां होती हैं। फिर हम यहाँ से शब्द उठाएंगे बीमारी, बीमारी को लेके हम प्रश्न बनाएंगे कि कुछ बीमारियों के नाम बताइए, तो छात्र क्या जवाब दे देंगे, बुखार, सर्दी, जुकाम, हैजा, चेचक आदि। फिर हमने दो तीन बीमारी को उठा लिया, फिर उससे लेके हमने अपना एक नया तीसरा सवाल बनाया कि बुखार, हैजा, चेचक आदि किन की वजह से होता है, तो जीव छात्र क्या जवाब देंगे, जीवाणु एवं विषाणु के द्वारा होता है। फिर हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या हम इन्हें मतलब किसे, जीवाणु एवं विषाणु को, क्या हम इन्हें जीवाणु तथा विषाणु को नग्न आंखों से देख सकते हैं, तो छात्र क्या जवाब देंगे, नहीं, क्योंकि ये छोटे होते हैं। तो फिर हम अगला सवाल पूछेंगे कि ये छोटे होते हैं, या फिर हम इन्होंने क्या जवाब दिया, क्योंकि ये सूक्ष्म होते हैं। तो हमने अगला सवाल पूछ सकते हैं, जैसे मैंने दिया है यहाँ पे क्वेश्चन कि कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए, ये ना लेके बल्कि आप यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हैं बच्चों से कि सूक्ष्म जीवों से आप क्या समझते हैं। ये सवाल बल्कि आप पूछें यहाँ पे कि सूक्ष्म जीवों से आप क्या समझते हैं, या फिर जो छोटे जीव हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं, तो छात्र क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मौन हो जाएंगे, या तो यही उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। जब समस्यात्मक हो गया तो हमारा उद्देश्य कथन निकल जाएगा। फिर उसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्रों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। फिर हमारा नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का, पाठ प्रस्तुतिकरण करने के लिए इस तरह से एक टेबल बनाते हैं। टेबल का कुछ शिक्षण बिंदु लिखते हैं, शिक्षण बिंदु को ध्यान में रखिए, कौन कौन से शिक्षण बिंदु हैं, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्याम पटकारी, ये पांच कॉलम बन गया, ठीक है। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है सूक्ष्म जीव, तो शिक्षिका प्रश्न पूछती है कि सूक्ष्म जीव से आप क्या समझते हैं, तो छात्र क्या है, यहाँ पे मौन हो जाते हैं, ठीक है, ये प्रश्न है ये। तो छात्र की शिक्षिका स्पष्टीकरण देती है कि जिन जीवों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये हमारे चारों ओर सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, ये हानिकारक तथा लाभदायक दोनों प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव जो है हवा, पानी, मिट्टी के अतिरिक्त गर्म पानी के स्रोतों, बर्फीले स्थानों, रेतीले भूमि या दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ हमने क्या किया, इधर भी दिखा दिया, ये नंग नाकों से देखे नहीं जा सकते हैं, सैंपल पे लिख के दिखा दिया, ठीक है, और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्हें देखा जा सकता है। ये हवा, पानी, मिट्टी, बर्फीले स्थानों आदि पर पाए जाते हैं, और इनकी साइज क्या होती है, 1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन साइज होती है, ठीक है।
उसके बाद इससे रिलेटेड हम बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। बोधात्मक प्रश्न क्या पूछा है कि सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी क्या करते हैं। कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हवा मिट्टी पानी आदि में पाए जाते हैं। तो ये था पहला हमारा पहला शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। तो सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कितने भागों में किया गया, तो छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे, शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं और जीवदानियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म जीव जंतुओं तथा पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें रोग उत्पन्न करने वाले या रोग जनक सूक्ष्म जीव रोगाणु कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 5 समूहों में रखा गया है। कौन कौन से समूह है? प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु तथा विषाणु। फिर इनमें विषाणु सबसे सूक्ष्मतम जीव होता है, परंतु यानी सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर के बाहर एक निर्जीव होते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? सर्दी, जुकाम, जापानी मस्तिष्क ज्वर, एड्स, इन्फ्लुएंजा आदि जो है ये वायरस जनरेटेड डिजीजेज हैं। ठीक है, फिर मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं? क्षय रोग है, हैजा है, टाइफाइड है, सर्दी, जुकाम, एड्स, चिकनगुनिया, पॉक्स आदि जो है सारे जीव सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा शिक्षण बिंदु। हमने यहाँ दिखा दिया कि इनका वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है, 5ों का नाम लिख के दिखा दिया श्याम पट पे, कि प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु आदि। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ दिखा दिया अभी इसी में कि छात्र अध्यापिका जो स्पष्टीकरण में आगे भी समझा रही है कि मानव जनित रोग और सूक्ष्म जीव में 6 रोग जो है जीवाणु से संबंधित है। 6 है जाए टाइफाइड, ये सब जीवाणु से संबंधित है। सर्दी, जुकाम, एड्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब हिपेटाइटिस है, ये सारा विषाणु से संबंधित रोग है। इसको आप इधर श्याम पट पे भी दिखा सकते हैं लिख के। उसके साथ साथ ये तो मानव में होने वाले रोग हैं, पौधों में भी वो रोग होते हैं। तो पौधों में होने वाले रोग कौन कौन से हैं? नींबू का कैंकर है, गेहूं की रस्ट है, तंबाकू का मोज़ेक रोग है और रिंग रॉट ऑफ पोटैटो है। ठीक है, तो ये सारे बीमारियां भी जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती हैं। फिर हमने क्या किया, इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि एड्स किसके द्वारा होता है, तो छात्र क्या जवाब देंगे? विषाणु के द्वारा होता है। फिर नींबू कैंकर किससे होता है, तो छात्र जवाब दिए कि जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, ये था हमारा आज का दूसरा शिक्षण बिंदु। उसके बाद हम तीसरे शिक्षण बिंदु का नंबर आता है। तीसरा शिक्षण बिंदु है लाभदायक तथा हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि लाभदायक तथा हानिकारक सूक्ष्म जीव से आप क्या समझते हैं, तो शिक्षिका स्पष्टीकरण, छात्र मौन हो गए, तो शिक्षिका स्पष्टीकरण देती है कि सूक्ष्म जीव हानिकारक होने के साथ साथ लाभदायक भी होते हैं और उनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। लाभदायक सूक्ष्म जीव हेडिंग डाला और लिखा कि इन्हें मित्रवत सूक्ष्म जीव भी कहते हैं, जैसे दही, ब्रेड, इडली आदि बनाने में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। लैक्टोबैसिलस दूध जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। इधर दिखा भी दिया सूक्ष्म लाभदायक सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस है, यीस्ट है, ये सारे हमारे बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमने क्या किया, हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में लिख दिया कि वे जीव जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हानिकारक या शत्रु सूक्ष्म जीव, एनिमी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे जीवों को रोगजनक कहते हैं, जैसे कि हैजा, चिकन पॉक्स, डेंगू, मलेरिया आदि मादा एडीज मच्छर, डेंगू वायरस आकार के वाहक होती हैं। ठीक है, मादा एडीज मच्छर होती है, डेंगू वायरस का वाहक होती है। उसके बाद हमने इधर हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में दे दिया कि माइकोबैक्टीरियम है, वाइब्रो कॉलरी है, सारी जो चीजें हैं हार्मफुल के लिए हो गया। फिर हमने इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि मित्रवत सूक्ष्म जीव का उदाहरण बताओ, तो दूध से दही का बनना और कौन सा, अब माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है उससे, लैक्टोबैसिलस है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं, तो रोगाणु कहते हैं। फिर पूछा कि डेंगू वायरस का वाहक कौन होता है, तो कौन होता है, मादा एडीज होती है। तो ये था हमारा आज का तीसरा शिक्षण बिंदु। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु खत्म हुआ। उसके बाद नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न तीनों ही शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होते हैं। तो हमने पहला प्रश्न पूछ लिया कि क्षय रोग किसे कहते हैं, ये क्षय रोग है माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है, टीबी रोग है। फिर सर्दी जुकाम किसके द्वारा होता है और गेहूं का रस किसके द्वारा फैलता है, ये सवाल हमने पूछ लिया। फिर हमने क्या किया, श्याम पट सारांश दे दिया कि सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीवों के बारे में बता दिया कि अत्यंत छोटे सर्वव्यापी तथा नग्न आंखों से न दिखाई देने वाले होते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखे जा सकते हैं। फिर उनका वर्गीकरण 5 ग्रुप में कर दिया कि प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, जीवाणु व विषाणु
लाभदायक सूक्ष्म जीव के नाम दे दिए, अहंकार सूक्ष्म जीव का एग्जाम्पल समझा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, छात्र को गृह कार्य भी दे दिया कि सभी छात्र सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़कर आएंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।